नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर अमेठी से है, जहां तिलोई में सरकारी जमीनों को लेकर हुई गड़बड़ी में शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल एसडीएम ने अभिलेखों में हेराफेरी कर सरकारी जमीन लोगों को आवंटन किया था, जिसमें डीएम के आदेश के बाद जाँच की गई तो फर्जीवाड़ा पाया गया है। वहीं डीएम की रिपोर्ट के बाद शासन ने आरोपी एसडीएम शिवानी सिंह को निलंबित कर दिया है। इसके बाद पूरे प्रकरण की जांच मंडलायुक्त अयोध्या को सौंपी गई है। मामले में तहसीलदार और अन्य कर्मियों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। खबर बिजनौर से है, जहां पेट्रोल पंप पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब रोडवेज बस डीजल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पर जा रही थी कि इसी दौरान बस का ब्रेक अचानक फेल हो गया, जिसकी वजह से बस पेट्रोल पंप में जा भिड़ी। इस हादसे में एक पिकअप का ड्राइवर घायल हो गया है। गनीमत यह रही कि बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। ये एक बस के ब्रेक फेल हुए हैं और पंप वाले ने उस बस वाले ने यहाँ पे लागे गुजर दिया बस। कितने का नुकसान होगा? लगभग हमारा 4-5 लाख रुपये नुकसान है। अच्छा, इसमें कोई घायल? घायल कोई नहीं है, एक जो मैक्स का ड्राइवर है वो घायल है, वो हॉस्पिटल में भर्ती करा दे रहे हैं। अच्छा, ये जो बस ड्राइवर था ये कहाँ गया? ये भाग गया, ये कूद के भाग गया। ऋषिकेश में सावन महीने में चलने वाली नीलकंठ की कांवड़ यात्रा शुरू हुए 7 दिन हो गए हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा कांवड़ियों के लिए सुरक्षा और जरूरत वाली व्यवस्थाएं नहीं दिख रही हैं। इसकी पुष्टि इसी बात से होती है कि 3 दिन में देहरादून की डीएम सोनिका और एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर 2 बार ऋषिकेश पहुंच अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। जरूरत वाली व्यवस्थाओं को पूरा करने के साथ सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। आज डीएम साहब और हम दोनों ने ये व्यवस्थाओं का समीक्षा करी है और जो भी हमारे जोन सेक्टर बटे हुए हैं उसमें दोनों जोन सेक्टर्स के प्रभारियों से बात करके कुछ पेयजल के संबंध में, बिजली के संबंध में, टॉयलेट बाथरूम के संबंध में और कुछ कहीं कहीं बताया गया कि कुछ फोर्स की कमी इनको महसूस हो रही है, तो वहाँ पर हमने चर्चा कर ली है। वहाँ चाक चौबन व्यवस्थाएँ हमने कर दिया है और सुरक्षा के संबंध में सारी जितनी व्यवस्था हो सकती हैं वो हमने कर दी है और इसका लगातार मॉनिटरिंग मैं पर डे करूँगा और बीच बीच में फिर आता रहूँगा। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर नज़र रखने के लिए सीसीटीवी अहम माने जाते हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे या तो कई जगह बंद दिखाई दे रहे हैं और पार्किंग स्थलों पर जो निर्देश मिले थे वहाँ पर तो है ही नहीं, तो कैसे व्यवस्थाओं पर नज़र रखी जाएगी? वो सीसीटीवी व्यवस्था जहाँ जहाँ कुछ लाइट की दिक्कत थी स्ट्रीट लाइट में, तो वो व्यवस्था यहाँ पर एक्शन हेडल आए थे उनसे बात हो गई है। चमोली में मौसम विभाग द्वारा जारी भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए जिलाधिकारी चमोली ने कहा जिले के कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल जिले में लगातार बारिश के चलते 40 से अधिक सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के बंद होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिलाधिकारी के निर्देश के बाद सभी थाना और तहसीलों को अलर्ट पर रख दिया गया है कि किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। खबर चमोली से है, जहां फूलों की घाटी से 50 से अधिक पर्यटक रेस्क्यू किए गए हैं। दरअसल पर्यटक भारी बारिश के चलते फूलों की घाटी में बरसाती नालों के उफान पर आने से मार्ग में फंसे हुए थे, जिन्हें प्रशासन ने सकुशल रेस्क्यू कर लिया है। खबर ऋषिकेश से है, जहां अपने जन्मदिन के दिन 2 दोस्तों के साथ गंगा में नहाने गए 18 वर्षीय वत्सल विश्व का शव एसडीआरएफ की टीम ने बैराज जलाशय से बरामद किया है। वहीं एसडीआरएफ की टीम वत्सल के 2 दोस्तों की तलाश गंगा में कर रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर चमोली से है, जहां फूलों की घाटी के मुख्य पड़ाव घाघरिया की जहां मुख्य बाजार के ठीक सामने पहाड़ी टूटकर नीचे लक्ष्मण गंगा की तरफ खिसक रही है। पहले तो धीरे धीरे पहाड़ से पत्थर गिरने की आवाज सुनाई दी, उसके बाद अचानक ही पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर नीचे की तरफ आने लगा। वहीं घाघरिया में मौजूद लोगों ने बाहर की तस्वीर को अपने कैमरे में कैद कर लिया है। हालांकि पहाड़ टूटने से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। बरसात के दौरान पहाड़ों पर लैंडस्लाइड
ही ऐसी खतरनाक तस्वीरें आती रहती हैं। खबर सोनभद्र से है। सोनभद्र में अज्ञात 3 बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर समूह बैंक स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस में लूट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं समूह बैंक से बदमाशों ने 4800 रुपए लेकर फरार हो गए। ये पूरा मामला अनपरा थाना क्षेत्र के औड़ी मोड़ पर स्थित समूह बैंक का है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।